दोस्तों मिहीलाल का नया ढाबा खुलने वाला है, तो सभी लोग उसके परिवार वाले उद्घाटन की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो दोस्तों अब देखिए आगे की कहानी। हल्लू के बाबूजी, और सामान देख ली क्यों? काका चाहने पर है। आज तो हमें बहुत खुशी है, अपनो नव ढाबा जो खुल रहा है। अम्मा अम्मा, हम तो बहुत खुश हैं। हम तो अपने दोस्तों को बताए कि हमारे भैया को नव ढाबा खुल गया। भैया जी, पैसा हमें दे रहे हो आप? अरे नहीं छोटे, हम तुम्हें नहीं दे रहे हैं, बाबूजी ने दे हमें जी पैसा। आज कल लू तुम्हें बहुत काम रहे है, ठीक है? ढाबा में जो भी काम हुए सो उसमें हमारी मदद करना, ठीक है? जा कह रहे हैं कल्लू के बाबूजी, तना कपन पूजा करवा ले भी ढाबा की पहले है। हाँ कल्लू की बाई, जा सही कही तुमने, अपन पूजा करवा भी। कालू तुम हमारा एक काम कर दियो बेटा, तुम विद्या के घर चले जाओ और उनकी मम्मी को बोल दियो कि हमारी बाई ने बोली है कि हमारा ढाबा खुल रहा है, सो चल रहे हैं अपने नए ढाबा के उद्घाटन को बेटा। सब जगह निमंत्रण दे आओ, परी के तेपे और बारबी के घरे भी, सब जगह भूली आई हो बेटा है, भूली हो ने? अले मम्मी देखो तालू भैया आए हैं। अले तालू भैया, आप तो इस स्कूल नहीं जाना है क्या? तुम्हें तुम बुलाने आए हैं, हमारे ढाबा का उद्घाटन है। हाँ भैया, मैं भी आऊंगी आपके ढाबा के उद्घाटन में, जरूर आऊंगी मैं तो। आंटी जी, माँ ने बोला है आपको भी उद्घाटन के लिए आना है ढाबा पर। हाँ कालू ठीक है, आ जाएंगे हम। अरे विद्या, पहले बाल बनवा लो बेटा, स्कूल जाने के लिए लेट हो रही हो। इस प्रकार दोस्तों कालू विद्या के घर निमंत्रण दे के वापिस चला जाता है। अरे भाभी भाभी, नमस्ते नमस्ते, हमारे यहाँ आज ढाबे का उद्घाटन है, तो मैं आप सबको बुलाने आया हूँ। कितना प्यारा बच्चा है ये। हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे ढाबा के उद्घाटन में। हाँ कालू, हम लोग आज जाऊंगा सब मिलके। और बताओ कालू, तुम्हारी बाई क्या कर रही है? ढाबा जाने की तैयारी कर रही हैं वो तो। हाँ बेटा ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। ठीक है अम्मा जी, अब मैं चलता हूँ। इस प्रकार दोस्तों कालू बारबी के घर भी निमंत्रण देके वापस चला जाता है। आंटी जी आंटी जी, नमस्ते, मैं आपको, आज हमारे ढाबा का उद्घाटन हो रहा है तो मैं निमंत्रण देने आया हूँ। हाँ ठीक है कालू बेटा, मैं आ जाऊंगी। और आंटी ढोलक को? हाँ हाँ बेटा, ढोलक को भी ले आऊंगी साथ में। अरे परी, तुम भी चल रही हो क्या? अरे नहीं मम्मी, मुझे तो बहुत पढ़ाई करनी है अभी। अच्छा ठीक है परी, मैं और ढोलक चले जाएंगे हम लोग। मैं तो आंटी जी को और ढोलक को साथ में लेके ही जाऊंगा। आज तो बड़ा ही मजा आने वाला है, क्यों ढोलक? हाँ मैं ये पूजा की थाली रख दे रहा हूँ। जेरे आए हम गोबर के गणेश जी, कल्लू के बाप जी। हाँ ठीक है रख दो। भैया भैया देखो, हम कितना अच्छा फूल लेकर आए हैं, इसमें तो भगवान खुश हो जाएंगे और हमारा ढाबा बहुत पैसा कमाएगा। ये पता नहीं जी, और अभी तक काय नहीं आई, ने बारबी सुशीला और डॉली जी। और अरे आ तो गई है, आ बारबी डॉली। हाँ दीदी, आ दीदी आ गया।
जो है अपनो नाव ढाबा, मिहीलाल के बाबूजी ने बनवाओ है बिहीलाल के लाने। अच्छो है, हाँ हाँ ठीक है। कालू भाई मैं तो पापा से जिद करके खाना खाने आऊंगा रोज को। ठीक है भाई। अरे आइए आइए सुशीला। हाँ दीदी, आपको नए ढाबे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, हम सभी लोग साथ मिलकर कोई भी काम करते हैं तो उसका बड़ा ही आनंद आता है। जी बात तो तुम सुशीला अच्छी बोल रही हो, ऐसे ही मैं अच्छो लगत है। अरे मिहीलाल, नए ढाबे की बधाई हो तुम्हें। हाँ भाई मिहीलाल, तुम्हें नए ढाबे की बधाइयाँ हो बहुत सारी। अरे हाँ हाँ ठीक है भैया, ठीक है, सब बाबूजी ने करवाई है, सब बाबूजी की कृपा रही है, अपना तो बस इसको चलाने का काम है अब तो। कल्लू के बाबूजी, तो फिर अपन पूजा शुरू कर दिए। अरे कल्लू की बाई, कोई पंडित जी को नहीं बुलाया क्या? अरे बारबी, कहा बताए हम तुम्हें, जल्दी जल्दी में तो हम बुला ही नहीं पाए पंडित जी को। चलिए दीदी, कोई बात नहीं, अपन लोग मिलके कर लेते हैं। चलो जी, हवन सामग्री की लकड़ियां इकट्ठी कर ले रहे हैं। हवन के लाने हम अग्नि ले आए हैं, इमें डाल दे रहे हम। चलो अब सब जने साथ में मिलके आरती कर ले रहे हैं। दोस्तों, अब लट्टू प्रसाद रिबन काटकर अपने ढाबे का उद्घाटन कर देता है। मिहीलाल बेटा, जो सबको प्रसाद दे दियो। हाँ अम्मा दियो। तो इस प्रकार मिहीलाल का ढाबा खुल जाता है। इसके आगे की कहानी दोस्तों जरूर देखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।